हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे जो है यहाँ पे देखिए वैकेंसीज की अपडेट आई हैं, जिसकी देखिए आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रारंभिक तिथि जो है 8/7/2022 यानी कि 8 जुलाई 2022 से शुरू हो गई है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 7/8/2022 तक होने वाली है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वैकेंसीज कहाँ से आई है। उससे पहले आप देखिए कार्मिक एवं मानव संसाधन के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ HR और औद्योगिक संबंध, कार्मिक प्रबंधन या फिर MBA मानव संसाधन अगर आपका होता है या फिर मास्टर डिग्री होता है सोशल वर्क में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर PG डिप्लोमा होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं पर्यावरण के लिए, तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है इंजीनियरिंग में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हमारा अगर होता है तो इसके साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। बात करते हैं सामग्री प्रबंधन के लिए हमारा जो है क्या क्वालिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है हमारा 2 साल पूर्णकालिक MBA प्रबंधन में PG डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विपणन एवं विक्रय के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% अंकों के साथ मार्केटिंग में अगर हमारा होता है और 2 वर्षों का जो है पूर्णकालिक MBA PG डिप्लोमा होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सामुदायिक विकास के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 60% अंकों के साथ हमारा जो है सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास, सामुदायिक संगठन, विकास प्रक्रिया में अगर हमारा होता है 2 वर्षों का जो है अवधि के लिए स्नातकोत्तर होता है डिप्लोमा तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे विधि के लिए हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो संस्थान से हमारा 60% अंकों के साथ 3 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि में कानून में स्नातक होना चाहिए। इसका मतलब जो है 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन के बाद LLB होता है, और बात करते हैं 12th के बाद 5 वर्षों का LLB होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जनसंपर्क के लिए, यहाँ पे देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हमारा 60% अंकों के साथ हमारा पत्रकारिता में या फिर जनसंचार, जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री होता है तो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डिस्टेंस से नहीं पूर्णकालिक अगर होता है तब। बात करते हैं कंपनी सचिव बनने के लिए, तो इसमें क्या है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हमारे संस्थान में किसी भी विषय में स्नातक या फिर ICC फिर की कंपनी सेक्रेटरी योग्यता हासिल कर ली हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने किसी लेटेस्ट कंपनी में कार्य किया हो, अगर आप किसी भी लेटेस्ट कंपनी में कार्य किए हो तो यहाँ पे आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। बात करते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं, स्नातक जो है हमारा भारत में उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा यानी कि जो है हमारा ग्रेजुएशन जो है हमारा भारत से ही होना चाहिए, तो ये तो सभी का है। बात करते हैं इंजीनियरिंग डिग्री हमारा जो है वो डिस्टेंस से नहीं पूर्णकालिक होनी चाहिए। MBA PG डिप्लोमा या फिर PG डिग्री होता है तो वो क्या होता है डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, वो हमारा जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया जो है CBT मोड में होने वाली है। अगर आपको इसका सिलेबस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार इस पे विजिट करें दूसरा सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स आप मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर इसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इसका सिलेबस आपको जानना जरूरी होगा, तो इसका सिलेबस जानने के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।